का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बहुत ही सुंदर डोरमैट बनाया है चटाई के जैसा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी इस जींस के पैंट के कपड़े पे आसन या पैरदाना कह सकती हैं आप, डोरमैट भी कह सकती हैं। चौकोरा आकार में बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह से कपड़े को हम मोड़ लेंगे, देखो इस तरीके से डबल कर लेंगे। वैसे आपको जितना लंबा बनाना हो या बड़ा बनाना हो उसे आप अपने हिसाब से कट करें कपड़े को। मैं इतना ही बड़ा यूज कर रही हूँ। मैंने इस तरह से ये कट कर लिया है। इसी नाप का एक कपड़ा काटेंगे। तो देखिए मैंने ये कपड़ा बिछा लिया है। अब इस पर किनारी किनारी आर पिन लगाएंगे या सेफ्टी पिन लगा सकती हैं आप। आपके पास जो भी हो उन्हें आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। नहीं भी हो तो आप सुई धागे से इस तरीके से लंबे लंबे धागे भर सकती हैं। इस तरह से आर पिन लगाएंगे, अंदर की साइड लगाएंगे हम। आप देख रही हैं क्योंकि इधर की साइड को मैं सिलाई करूंगी। सिलाई करते समय ध्यान रखें आर पिन से आपकी सुई ना टूट जाए। इसी तरीके से मैं लगा लूंगी। तो देखो मैंने आर पिन लगा ली है किनारी पर। देखो ये कपड़ा हमारा ऐसे चिपक गया है जैसे कि हमने ये सिल दिया है, मगर सिलाई अब हम इस पर किनारी पर सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टी काट ली है, देखो, क्योंकि इसकी किनारी मैं इसी पट्टियों से बनाऊंगी। तो चलो किनारी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड मैंने इस तरह से इस पर किनारी रखी है, देखो इस तरह से डबल किनारी रखी है मैंने। ये डबल कपड़ा है मेरा किनारी वाला। तो अब क्या करेंगे हम, जो कपड़ा हमारा ये थोड़ा सा बाहर है इसे कट कर देंगे किनारी किनारी से। इस वाले कपड़े को हम कट कर देंगे इस तरीके से। इस तरह से तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने उल्टी तरफ से इस पे ये लेस रखी थी, अब इसे सीधे की तरफ इस तरीके से इसे मोड़ेंगे। इस तरीके से इस पे सिलाई कर लेंगे, सारी किनारी पर इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो मैंने ये सारी किनारी बना लिया। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर किनारी आई है। उल्टी तरफ से रखते हैं और सीधी तरफ को मोड़ते हैं तो इतनी ही सुंदर किनारी आती है। ये मैंने उल्टी तरफ से रखी थी डबल और सीधी तरफ को ये मैंने मोड़कर सिलाई करी है। तो देखना फ्रेंड मैंने इस तरीके से, तो देखिए फ्रेंड मैंने इस तरीके से कपड़े कट करके रख लिए हैं। पहले बड़े चौकोरा आकार में, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ये दिल आकार में सबसे छोटा। इसी तरह से मैंने ये सारे कट कर लिए हैं। देखो ये कट कर लिए हैं मैंने। तो अब इस पर क्या करेंगे, एक आर पिन लगाएंगे इस तरीके से। ये हम इस तरीके से आर पिन लगाएंगे सभी फूलों में। आप देख रही हैं मैंने आर पिन लगा ली है इसमें। तो अब मैं इस तरीके से इस पर सिलाई करूंगी, इस कोने से इधर के कोने तक
और यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही मैं सारे डिब्बों को सिल लूँगी। आप देख रही हैं कि मैंने इस तरीके से इस पे सिलाई कर ली है, तो इसी तरह से मैंने सारे डिब्बे सिल लिए हैं। तो अब मैंने ये कुछ इस तरीके से गोला आकार में ये तीन कलर काटे हैं, इन्हें इस तरीके से यहाँ पर टांके मार देंगे चारों तरफ, चारों कोने पर। तो चलो इसे सिलना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।